हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा कि ये पूरा बैकग्राउंड क्या है, ये 15 का जो 10 करोड़ की लिमिट हुई है CSK अपॉइंटमेंट पे, क्या होने वाला था, क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम CS कंटिन्यू करें या CS छोड़ने, अभी CS में स्कोप बाकी रह गया है या फिर वी शुड गो एंड लुक फॉर सम अदर प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, चलिए तो मैं बातें करता हूँ बच्चों। सबसे पहले तो ये जो सबसे हाँ, और उसमें कई लोग ये बोलेंगे कि सर चूंकि आप CS इंडस्ट्री को में हैं, आप CS की क्लासेस लेते हैं, तो आप हमेशा यही बोलेंगे कि CS मत छोड़िए। तो मैं उसके बारे में आपको फ्री एडवाइस दूंगा जैसा मुझे लगता है सही है। और एक और चीज़ आप ये समझिए बच्चों कि मैं टीचिंग में 11 साल से हूँ, और 11 साल से पहले मतलब टीचिंग में आने के पहले मैंने 2-3 साल जॉब किया है। तो ये मान के चलिए कि मेरे पास इतने एसेट्स हैं और मेरे पास बाकी के जो साधन हैं, संसाधन हैं, वो काफ़ी हैं। तो और यार मुझे पढ़ाना होगा तो मैं CA को भी पढ़ा सकता हूँ, CMA को भी पढ़ा सकता हूँ। हालांकि प्लीज़ मैं नहीं करूँगा ऐसा, बट बहुत ऑफर्स मतलब बहुत चीज़ें कर सकता हूँ मैं। मतलब मुझे जीविका ढूँढना उतना मतलब वो नहीं है कि यार मतलब ठीक है, हाँ टीचिंग मुझे पसंद है। वो क्या होता है, वो नशा होता है एक तो, ठीक है। और क्योंकि हम इतने साल से CS करते हुए आए हैं, एक टाइम पे मेरे CA के में भी काफ़ी स्टूडेंट हुआ करते थे, 100 सवा 100 बच्चे पढ़ाता था मैं एक टाइम पे, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता था कि CS की क्लासेस अलग होनी चाहिए। खैर वो बात की बात है, मैं उसके बारे में बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। बट जो भी मैं बोलूँगा, मैं इंडिपेंडेंट एडवाइस देने का पूरा मतलब ठान के बैठा हूँ बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये हुआ क्यों, ये क्यों अमेंडमेंट आया। तो सबसे पहले एक ऑल इंडिया टैक्स प्रैक्टिशनर फेडरेशन है, इन्होंने कुछ हमारी निर्मला मैडम को, निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उनको एक सजेशन दिया था कि कुछ आपको याद होगा मैंने बीच में एक वीडियो बना के बताया भी था कि INC 22A एक्टिव एक फॉर्म आया था जिसमें हर कंपनी को बताना था कि उनके यहाँ पे मतलब जब तक आपने कंपनी आपके ऊपर पाँच आपकी कैपिटल अगर 5 करोड़ के ऊपर है और आपने अगर CS अपॉइंट नहीं किया तो आपकी कंपनी वो INC 22A एक्टिव जो है वो फाइल कर ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो वो फॉर्म फाइल नहीं कर सकते थे। इसका मतलब हर एक कंपनी, क्योंकि 5 करोड़ से 10 करोड़ वाली कंपनियां, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ये डेटा एक बार आएगा तो मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, लगभग 70% कंपनीज हैं जो CS अपॉइंट नहीं करती। तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, 5 करोड़ से 10 करोड़ या 5 करोड़ के ऊपर की जो कंपनीज हैं जिनको CS अपॉइंट करना चाहिए, तो ये बेसिकली छोटी कंपनीज होती थी, ये CS अपॉइंट करती ही नहीं थी। तो अब क्या हो गया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि कंप्लाइंस को लेकर गंभीर थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार आप एक काम कीजिए, एक फॉर्म निकाला और उन्होंने कहा कि ये फॉर्म आप इस डेट तक फाइल करना है। मेरे ख्याल से जुलाई उसकी लास्ट डेट थी, और जब तक आप वो फॉर्म फाइल नहीं करते तब तक आप बाकी की फाइलिंग्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था बच्चों। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज वो फॉर्म फाइल ही नहीं कर पाई, और उस समय सारी कंपनीज को सी, क्योंकि जब तक आप CS अपॉइंट नहीं करते तब तक वो फॉर्म फाइल हो ही नहीं सकते, तो क्योंकि आपको CS का मेंबरशिप नंबर उस फॉर्म के साथ डालना था आपकी कंपनी का जो CS है। तो अब ये कंपनीज क्या की, पाँच से जो पाँच बड़ी कंपनीज के लिए तो दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि उनके यहाँ पे CS था, लेकिन 5 करोड़ कैपिटल वाली, 6 करोड़ 7 करोड़ वाली कंपनी है, इन्होंने CS अपॉइंट किया ही नहीं था। तो ये लोग CS अपॉइंट करने गए, तो CS का तो एक्सटेंडेड है कि वो सैलरी लेगा तो यार कम से कम 5 से 6 लाख रुपए साल की लेगा, और छोटे शहर में तो 4 लाख से। तो फिर लेकिन इनको CS अपॉइंट नहीं करना था क्योंकि इनका ऑलरेडी जो काम था, इनका जो ऑलरेडी काम था जो कंपनी से कंप्लाइंस था, वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज करते थे। तो अब हुआ यूं कि एक बहुत सारे जो कंपनीज थे ऐसी, लगभग 11,000 कंपनीज, 11-12 हज़ार कंपनीज थी जिनकी कैपिटल मतलब 5 से 10 करोड़ की रेंज में 11,000 कंपनीज थी जिन, और इनमें से मान लो 70% कंपनीज ने, 30% कंपनी ने CS अपॉइंट किया, 70% ने तो अपॉइंट नहीं किया। इनफैक्ट इसमें से कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी थी। तो अब इन सब सारी कंपनीज ने क्या किया, इन सारी कंपनीज ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बोला कि CS तो हमको मिल ही रहे, हम ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं हम तो CS मिल नहीं रहा, और मिल भी रहा तो बहुत हाई फीस चार्ज कर रहा है, तो हमको तो बहुत डिफिकल्ट है, हम उतना CS को सैलरी पे नहीं कर सकते। तो ये पहली बात हो गई। ठीक है, तो इसका संज्ञान मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी और लॉ मिनिस्ट्री थी, उस MCA की मिनिस्ट्री थी, उसने लिया। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट बिजनेस चैम्बर्स था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, तो उन्होंने कहा कि हमारे अभी बड़ी दिक्कत है, हमको भी CS नहीं मिलते, मतलब हमारी कंपनी कैपिटल 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ होती है, बट हमको CS नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट आने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर तैयार भी हो जाते हैं तो जितनी सैलरी वो मांगते हैं हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये थी, एक CA नरेश गुजराल हैं, अकाली दल से राज्यसभा में सांसद हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ये मैंने वीडियो में भी जिक्र किया था इनका, इन्होंने
इन्होंने राज्यसभा में डिस्कशन के दौरान कहा था कि सेम चीज़ की सीएस मिल नहीं रहे हैं और क्यों हम कंपनीज को बर्डन डालते हैं कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने का। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी कैपिटल 5 करोड़ की है क्योंकि उनको लोन लेना था या उस रिक्वायरमेंट के चलते उन्होंने कैपिटल 5 करोड़ की है, बट उनका टर्नओवर 2 करोड़ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बर्डन है। अच्छा होता तो ये बात स्टैटूटरी ऑडिट के लिए भी बोल देते तो थोड़ा सा मैं बोलता कि वो पार्शियल नहीं थे। खैर छोड़ दीजिए बच्चों, किसी नेता वेता ये सब तो सारे मतलब छोड़ दीजिए बच्चों, वी वॉन्ट टॉक अबाउट दैम। तो अब ये तीन चीज़ों के चलते तो ऐसा प्रपोजल आया था कि सीएस, फिर ऐसा प्रपोजल आया कि दो तीन ऑप्शन आए कि सीएस उसी कंपनी में होगा जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 CR है प्लस जिसका टर्नओवर 100 CR है, ऐसा कुछ प्रपोजल आने का था। फिर किसी ने कहा कि नहीं, सीएस उस कंपनी में आएगा जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है। और एक और चीज़ थी कि नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज भी कम है, ऐसा भी एक नरेश गुजराल ने अपने अभिभाषण जो भाषण था उसमें कहा था, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उनका, मिलेगा आपको भाषण। तो ये सारे रीजंस के चलते मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया कि यार सीएस जो है उसी कंपनी में, जो बड़ी कंपनी जिनकी कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है वहाँ पे सीएस होगा। तो अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इनकी कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, 10 करोड़ से लेकिन जितनी भी है उतनी कितनी कंपनीज हैं। तो एक मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी, 2014 की रिपोर्ट है, शायद 31 दिसंबर 2014 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के हिसाब से जहाँ तक बच्चों मैंने जितना समझा, लगभग 10,000 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी पेड अप कैपिटल कितने के ऊपर है, 10 CR के ऊपर है। तो अब इससे क्या होगा, तो 10 CR के ऊपर कम से कम 10,000 कंपनीज हैं, फिर लगभग आप सबको पता है 14 लाख कंपनी, 14, ये 2015 की बात है, और 2015 के बाद बच्चों बहुत सारी नई कंपनीज बनी हैं। तो हम मान सकते हैं कि अभी मेरे हिसाब से 12 से 13 या 13 14 हज़ार कंपनीज होंगी जिसमें पेड अप कैपिटल 10 CR के ऊपर है। ये हो गई पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो ऑलरेडी जो कंपनी थी जो 5 करोड़ से 10 करोड़ के ब्रैकेट में कंपनीज थी वो लगभग 11,000 कंपनीज थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 11,000 कंपनीज हैं इन कंपनीज में अब सीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब इनकी पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या इन सारी कंपनीज ने सीएस अपॉइंट किए थे। अब बच्चों धीरे धीरे डेटा आएगा, बट जहाँ तक मेरी जानकारी माने एक विश्वस्त सूत्र से मुझे पता चला कि लगभग 70 से 75 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने सीएस अपॉइंट किया ही नहीं था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसको आप नोट कीजिएगा क्योंकि अपन कंक्लूजन लास्ट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि यार अब सीएस कोर्स करना वर्थ है नहीं है, हम क्या करें, सीए करें, सीएमए करें या कोई दूसरा कोर्स करें। तो बच्चों मुझे एक चीज़ याद रखिए, जब मैं मेरा भी जब सीएस का आर्टिकलशिप ख़त्म ही होने वाला था, पहले ही रिक्वायरमेंट सीएस को अपॉइंट करने के लिए 2 करोड़ की, ठीक है। मतलब पहले ऐसा था कि जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल 2 करोड़ की होती थी उसको सीएस रखना मैंडेटरी था। तो फिर उन्होंने उस समय 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया और मेरा सीएस का जो मेरी आर्टिकलशिप थी वो ख़त्म ही हुई थी लगभग, ठीक है, या ख़त्म होने वाली थी, मैं रिलायंस में था। तो 2 करोड़ से 5 करोड़, तो बच्चों उस समय इंटरनेट नहीं था, लोग डराने वाले नहीं थे, तो बच्चों बिलीव मी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब एक दो दिन हल्ला हुआ कुछ हुआ बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यू नो। और 15-20 दिन, महीने भर, 2 महीने में चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। अभी क्या हो गया, अभी हम लोग कोई भी चीज़ सुनते हैं तो हम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। देखिए मैं बिलीव मी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, बट आप ईमानदार, मतलब मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी हो सकता है कि एक महीना ट्रांजिशन फेज है, शायद लोगों में गुस्सा हो, प्रॉब्लम्स हो, एंगजाइटी फील हो कि यार हमारा क्या होगा। बच्चों एक चीज़ याद रखिए, आप लोग सीएस कर रहे हैं और सीएस करके मैं बता रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लगभग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 70 से 80 कंपनी सेक्रेटरीज काम करते हैं एक कंपनी में। पिरामल ग्रुप में जहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट पिरामल की जो सिर्फ फार्मास्यूटिकल यूनिट है वहाँ पे 18 ट्रेनीज हैं, आर्टिकलशिप 18 लोग आर्टिकलशिप में, 11 कंपनी सेक्रेटरीज हैं। उसके बाद अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखें, टाटा देखें, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, इनफैक्ट छोटी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने भी 4-4 5-5 या 2-2 3-3 कंपनी सेक्रेटरीज को हायर किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि यार वो 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, जैसा कि यूट्यूब में आप लोग, मेरा कल मैंने वीडियो डाला था कि अच्छी न्यूज़ है, तो आप सब लोग मेरा विरोध करना शुरू कर दिए ये बोल के कि दुष्यंत सर आप प्रोफेशन को ज़्यादा वो करते हो। देखिए मेरी, मैं बच्चों मैं हमेशा आशावादी रहा हूँ अपने जीवन में। जब मैं सीएस कर रहा था, आप बिलीव कीजिए कि सीएस किसी को पता भी नहीं था कि सीएस क्या होता है 2004 में, नो वन यूज़ टू नो कि सीएस क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक ट्रस्ट करके सीएस किया है कि नहीं, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत की,
और उस समय भी सीए था, उस समय भी सीए में था, बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या खोपड़ी में था कि मेरे को सीएससी करना था, और मैंने किया। जॉब्स में बिलीव मी कभी दिक्कत नहीं आई। 2 से 5 करोड़ हुआ उस समय, तो आपको पता होगा 2009 10 11 सॉरी आई एम रियली सॉरी, 2007 की बात कर रहा हूँ, जब मैं 2 करोड़ से 5 करोड़ हुआ था। 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये 5 करोड़ से हुआ, तो उस समय बच्चे 2008-09 में आपको पता रिसेशन था, तो कहीं ना कहीं मेरी लौके पर काफ़ी अच्छी पकड़ थी, या ठीक ठाक थी, बट दूसरों में शायद अच्छी थी, इसलिए मुझे जॉब वीक में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई। सी एयरलाइंस में मेरी आर्टिकलशिप खत्म होने के पहले मेरे को जॉब लग गया एनएसडीएल में। एनएसडीएल के बाद मैं प्रकाश स्टीलेज में चला गया, उसके बाद मक्वायरी में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, हालांकि मैं वो किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि देखिए, हताश होने का कोई सेंस नहीं है, और ये चीज़ जो हुई है बिलीव मी, इससे सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आपको पता है कि आपके जो दोस्त हैं जो एक पर्टिकुलर कोर्स करते, वो लोग सबसे ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि यू नो व्हाट, एक कंसर्न ऐसा था कि मैंने कल भी बताया था कि उनके प्रोफेशन, दूसरे प्रोफेशन के लोग अपना कोर्स ज्वाइन करते क्योंकि उनको अपना कोर्स ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि हम ये कोर्स क्विट कर देंगे, हम ये छोड़ देंगे। बिलीव मी, 1 महीने की बात है बच्चों, क्या आपको लगता है कंपनी लॉ खत्म होने वाला है? क्या आपको लगता है कंपनी लॉ के अंदर जो कंप्लायंस है वो खत्म होने वाला है? क्या आपको लगता है जो लोग 5 करोड़ 6 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख की सैलरी कमाते हैं, उनकी सैलरी वापस से 10 लाख हो जाएगी कि इस ग्राउंड पे कि यार 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट नहीं रही तो अब बाहर में जाओ तुम? ऐसा नहीं है बच्चों, जो कंपनीज बड़ी हैं वो बड़ी हैं हर एक, और आप बिलीव कीजिए मेरी बात, 5 करोड़ की वैल्यू 2008 में या 2009 में ये 2 करोड़ से 5 करोड़ हुआ था, अब 5 करोड़, और आजकल 10 करोड़ की पेडअप कैपिटल का क्राइटेरिया बच्चों कोई भी मीट कर लेता है। आप देखिए, इतने स्टार्टअप आपके मोबाइल में ऐप है, बिग बास्केट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इतने ऐप्स हैं यार बच्चों, 10 करोड़ की पेडअप कैपिटल ना कोई भी कंपनी मीट करती है, कोई भी कंपनी मीट करती है। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि वो लिमिट वापस से 5 करोड़ हो जाए, बट ये पैनिक क्यों कर रहे हैं हम लोग यार? मतलब क्या हमारी जो औकात है वो सिर्फ एक लॉ 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 में, यार वो स्टेटूटरी ऑडिट लॉ में लिखा है इसलिए वो लोग करते हैं, बट हमारी औकात उससे ज़्यादा है बच्चों। हम क्यों नहीं अपने आप को अपग्रेड करें? बहुत सारे एरियाज हैं बच्चों, बहुत सारे एरियाज हैं, इंटरनल ऑडिट है, सॉरी सेक्रेटरी ऑडिट है, ये प्रैक्टिस में अभी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप होगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर पड़ेगा। हाँ, 1-2 महीने का ट्रांजिशनल फेज है, और बच्चों आप लोग क्या सोच रहे हैं सीएस करके सीए करेंगे? आप किसी से भी पूछिए कि सीए में, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, सीए में जॉब्स की हालत कैसी है? आप देखिए, आपका अगर कोई दोस्त है उसने अगर सीए किया है तो क्या उसको बहुत अच्छा जॉब मिल गया? मैं ऐसे कई मेरे स्टूडेंट हैं जो सीए किए हुए हैं और अभी नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे हैं सीए करने के बाद। हाँ, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और क्या आप सीए करते तो आप उतनी आसानी से क्लियर कर लेंगे? क्या आपका इंटरेस्ट है आप सीएस छोड़ के सीए में जा रहे हैं या सीएमए में जा रहे हैं? प्लीज़, मैं देखिए सारे प्रोफेशंस की रेस्पेक्ट करता हूँ, बट ये कहना गलत है कि यहाँ पे ये हो गया तो मैं ऐसा कर लूँगा। बी विद द प्रोफेशन यार, आप नॉलेज अक्वायर कीजिए, आप कीजिए। मेरी एक स्टूडेंट है मंगला, शी इज़ वर्किंग विथ EY, अर्नेस्ट एंड यंग में काम करती है विथ अ वेरी गुड पैकेज, मंगला श्रीवास्तव उनका नाम है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीडब्ल्यूसी में काम करते हैं, तो वहाँ पे तो कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको तो सीएस की जरूरत नहीं होती। हमारे महावीर लुनावत सर, उनका खुद का, ही इज अ मर्चेंट बैंकर, उनका सेबी रजिस्टर्ड पेंटोमैथ सर्विसेज है, आप टीवी में ऐड देखते होंगे। तो इतने ये लोग, मतलब ये लोग तो अपनी फर्म बना के बैठे हैं, कंसल्टेंट बन के बैठे हैं। कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो IPO एडवाइजरी करते हैं। तो यार प्लीज़, आप बिल्कुल, मतलब देखिए, पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, रादर हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा होगा। 1 महीने का फेज है बिलीव मी, और इतनी नई कंपनीज आ रही हैं, इतनी नई कंपनीज आ रही हैं। आप देखिए ना, आपके मोबाइल में जो भी ऐप्स हैं आप उनकी पेडअप कैपिटल चेक कीजिए, रोज़ 100 नए मोबाइल ऐप बन रहे हैं, मतलब 100 नई IT कंपनीज बन रही हैं जो ऐप बेस्ड हैं। तो यार मतलब ठीक है, हम गवर्नमेंट को भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट एक चीज़ याद रखिए, इससे ना लाइफ ख़त्म नहीं होने वाली बेटा। सीएस प्रोफेशन का स्कोप कभी ख़त्म नहीं होगा, और बच्चों बिलीव में अगर कुछ भी ऐसा होता है कि अपने स्कोप पे कुछ असर पड़ेगा, आई विल बी द फर्स्ट कि मैं आपको वीडियो बना के बोलूँगा कि यार ऐसा है कि अब ऐसा ख़त्म करो, कहानी ख़त्म करो, मैं भी अपने गांव जा रहा हूँ, हल चलाऊंगा, सो या कुछ भी करूँगा। बट तो अभी मेरे हिसाब से
देखिए, ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। आप सच में, आपने सीएस किया था, उस समय भी आपके पास सीए ऑप्शन था, सीएमए ऑप्शन था, दुनिया भर के ऑप्शंस थे, बट स्टिल यू चूज सीएस क्योंकि आपको लॉ अच्छा लगता था, आपको थ्योरी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, आपको कंप्लाइंसेज अच्छे लगते थे, आपको अच्छी कंपनीज में जाना अच्छा लगता था। और अभी भी याद रखिए, केएमपी तो हम अभी भी हैं, स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर से सीधे टच में हम होते हैं, तो अपना प्रोफेशन सबसे ऊपर रहे और यही हमें मानना है यार। यू नो वॉट, नरेंद्र मोदी अगर एक इलेक्शन हार जाए, चार इलेक्शन हार जाए, तो मैं उसकी काबिलियत पे शक नहीं कर सकता बच्चों। वो ही इज अ विनर एंड ही वुड बी द विनर। आई एम सॉरी, मतलब नरेंद्र मोदी हो या बिल गेट्स हो, जिन लोगों को नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है, बिल गेट्स हो, अगर बिल गेट्स का एक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, बिल गेट्स की कुछ दिक्कतें हो जाए, तो ऐसा नहीं कि बिल गेट्स की विश्वसनीयता पे हम शक करने लगे। यार हमने ये कोर्स चुना है, तो अभी वक्त है कि हम इस कोर्स के प्रति और ज़्यादा प्रतिबद्ध हो जाएं, और ज़्यादा जिम्मेदार हो जाएं, और ईमानदारी से कीजिए बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ, पहले तो 2 से 5 करोड़ हुआ था, मतलब डबल से भी ज़्यादा कर दी थी लिमिट, बट बिलीव मी, 1-1.5 महीने का ही प्रॉब्लम था। उसके बाद सब लोगों ने बोला कि नहीं यार, फिर कंपनीज बनने लगी, माइंडसेट चेंज हो गया बच्चों। तो ये लोग ना, मतलब मैंने 10 करोड़ का वीडियो भी डाला था, मैंने बोला था कि अच्छी न्यूज़ है, स्कोप बढ़ेगा, बिकॉज मैं काफ़ी आशावादी इंसान हूँ बच्चों। तो प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी किसी के बहकावे मत आइए, आप अपने कोर्स के साथ रहिए, आप ट्रस्ट कीजिए। और बिलीव मी, आपको लगता है ना सीए अच्छा है, तो आप सिर्फ जॉब एक फेक आईडी प्रो क्रिएट कीजिए, naukri.com पे जॉब डालिए और देखिए आपको सीए करके कैसे ऑफर्स आ रहे हैं बच्चों। बिलीव मी, वहाँ पे भी उतनी अच्छी हालत नहीं है अभी। आप लोग रोते हैं ना कि सीएस करके ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आप देखिए उल्टा, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको सीएस किया और 15 दिन के अंदर जॉब लगी है। तो मतलब ऐसा नहीं है, सीएस भी होंगे और उनकी भी तुरंत जॉब लगती होगी, बट जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये नहीं है कि ये अच्छा खराब हो गया तो अब फिर आपने सीए कर लिया, सीए या सीएमए कर लिया या एमबीए कर लिया, वहाँ पे जॉब नहीं लगी तो क्या करेंगे आप, वापस से सीएस में आएंगे? तो जो भी कोर्स कर रहे हैं आप उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। और आप तो लॉ पढ़ते हैं ना, कंपनी लॉ पढ़ते हैं, आप टैक्स पढ़ते हैं, जो भी, अपने आप में बहुत सारा, बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार। मतलब कई ऐसे सीएस हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के बैठे हुए हैं। मनीष मिश्रा मेरे फ्रेंड है, ही इज़ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑफ, ही इज़ वर्किंग विद सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन, 70 से 80 लाख रुपए का पैकेज है उनका। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल। टीचिंग का ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप टीचिंग में आ सकते हैं। तो हिम्मत मत हारिए, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और देखिए, हर एक कोर्स में उतार चढ़ाव होते हैं, तो बस आप ध्यान में रखिए। आप बोल रहे हैं कि इस बार के बजट में हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड ही खत्म हो जाए, तो डायरेक्ट टैक्स, मतलब ऐसा बोल रहे हैं न्यूज़ वगैरह में आता है, तो डायरेक्ट टैक्स कोड खत्म हो गया तो क्या लोग सीए करना बंद कर देंगे, सीए का स्कोप खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है बच्चों, जो ज़रूरत है वो चलती रहेगी। एडुकेटेड इंसान की, प्रोफेशनल इंसान की वैल्यू कभी खत्म नहीं हुई। उतार चढ़ाव होते हैं बट चीज़ें बेहतर होंगी, बिलीव कीजिए मेरा बच्चों। और मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आपके आसपास कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो आप उनसे जाके पूछिए और वो क्या ओपिनियन देते हैं वो बताइए, उनका भी ओपिनियन शायद यही होगा। अगर कुछ और ओपिनियन तो भी मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली करेक्ट करूँगा अपने आप को अगर मेरे अंदर कोई, मेरे से कुछ गलत निकला है मेरे मुँह से। तो बच्चों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और आप लोग बहुत प्रगति करें। देखिए हम लोगों का मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में प्रगति करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। कंपनीज एक्ट को अपना बिल्कुल भगवान मान लीजिए बच्चों, उसी के सारे। और बच्चों कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं यार, तो सीएस के साथ एलएलबी मैंने पहले मना किया था, तो आप चाहें तो, अगर आपको इच्छा है तो आप सीएस के साथ एलएलबी भी कीजिए, यू कैन बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर यार। जितना नॉलेज, बहुत नॉलेज होता है कंपनी सेक्रेटरी को, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। थैंक यू सो मच, और चेहरे पर एकदम बड़ी सी स्माइल रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए बच्चों, बिलीव मी कुछ भी गलत नहीं होगा। लव यू सो मच, लव यू बच्चों, गॉड ब्लेस, टेक केयर।